तो अगर देखो प्यारे बच्चों, अगर तुम देखोगे यहाँ पे इक्वेशन पी प्लस ए अपन वी स्क्वायर ऐसे है, तो यहाँ से ए बी सी कॉन्स्टेंट है, तो यूनिट ऑफ ए, ए की यूनिट कितनी होगी? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से देख रहे हो कि अगर ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये वाला पूरा फैक्टर पी और ए अपन बी स्क्वायर आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, वही जुड़ते हैं जिनका नेचर और डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है यार। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा फैक्टर इस पूरे के पूरे फैक्टर से जुड़ा हुआ है, तो और ये पूरा का पूरा भी इससे घटा हुआ है, तो ऑब्वियसली इनका जो डायमेंशनल फार्मूला और नेचर होगा वो सेम होगा, यूनिट डायमेंशनल फार्मूला नेचर सेम होगा। तो मैं डायमेंशनली लिख सकता हूँ, पी डायमेंशनली बराबर है ए और बी स्क्वायर, और भी डायमेंशनली बराबर है बी के। तो इस इक्वेशन का, सेकेंड इक्वेशन का मेरा तो कोई यूज नहीं है, मेरा तो फर्स्ट फर्स्ट से ही काम चल जाएगा। तो ए का यूनिट अगर तुम देखोगे तो ए का यूनिट आ जाएगा पी और भी का स्क्वायर। प्रेशर होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, और बिलो वॉल्यूम एल का स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ भी जो है वो वॉल्यूम यूज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से जो प्रेशर एसआई यूनिट में रखूँ तो इसकी यूनिट डाइन है, ठीक है, और यहाँ मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया, और वॉल्यूम का हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब का स्क्वायर। तो कुल मिला के ये बनेगा डाइन, और यहाँ से सेंटीमीटर स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाई सेंटी पावर 6, तो यहाँ से तुम देखोगे तो डाइन और मल्टीप्लाइड बाई सेंटीमीटर की पावर 4। तो ये दिस इज द यूनिट ऑफ द ए यहाँ से, और बी का यूनिट अगर देखोगे तो बी का यूनिट तो वॉल्यूम के बराबर होगा, तो सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से।